Good morning children, hope you all are fine. Welcome to Angan Public School online teaching classes. आज मैं आपको लेक्चर नंबर 17 में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ग्राफ्स के बारे में मिलेगा. कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन, ग्रुप, टू पेयर. ओके, अब देखिए मैं आपको चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे. ओके, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन करते हैं. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो देखिए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली हमें नंबर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी, है ना. हमें नंबर्स प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ में. यहाँ पे इस चैप्टर में आपको ग्राफ के बारे में ही होगा. तो ग्राफ किस तरह से होगा, उसकी प्लेन कैसी होगी, वो आपको मैं बताती हूँ. तो यहाँ पे नंबर 9, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. आपको ये तो मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि एवरी रियल नंबर हैज ए यूनिक पॉइंट. यहाँ पे भी वही कहा गया है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट. यूनिक मतलब वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन. अगर उसको हमने जैसे कि कोई पॉइंट पर्टिकुलरली मेंशन किया है, तो वो पॉइंट मेंशन किया हुआ हम किसी और को नंबर को नहीं दे सकते. इट हैज ए यूनिक आइडेंटिटी, ओके, ऑन द नंबर लाइन. देखिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर. यहाँ पे एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट यूनिक पॉइंट, और यहाँ पे ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, मतलब हर एक पॉइंट. जैसे कि अगर आपने कैपिटल ए 0.5 को दिया है, तो वो कैपिटल ए आप किसी और को नहीं दे सकते. यहाँ पे वही था कि एवरी पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ आपका ए, ये रिप्रेजेंट ए रियल नंबर. कौन सा रियल नंबर? 5. तो ये 5 को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द ग्राफ और लोकेशन ऑफ ए सिंगल रियल नंबर ऑन ए लाइन. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द ग्राफ और लोकेशन, है ना. हर एक पॉइंट नंबर लाइन में कैसी होती है, उनकी पॉइंट लोकेशन बताती है, या तो उनका रिप्रेजेंटेशन हैज ए ग्राफ सिंबलिकली या तो कुछ डायग्रामेटिकली बताती है, ऑफ ए सिंगल रियल नंबर ऑन ए लाइन. अब देखिए, टू रिप्रेजेंट एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, टू रिप्रेजेंट एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन ए प्लेन. अगर ऑर्डर पेयर यानी कि टू नंबर्स को एक साथ अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, एक साथ रिप्रेजेंट करना है, तो आपको उसे कहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? प्लेन में, विद द हेल्प ऑफ टू नंबर लाइंस. और हमारे पास प्लेन कैसा होता है? प्लेन मतलब ग्राफ. ग्राफ में हम कितने नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, टू नंबर लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज ऑरिजिन. जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है, उसे हम कहते हैं ऑरिजिन. बोथ द एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और दोनों एक्सिस को एक साथ हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, और जिस जगह पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, द प्लेन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन और द कार्टेशियन प्लेन और द एक्स वाई प्लेन. यानी कि जिस प्लेन में, जिस जगह पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट की गई है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या तो कार्टेशियन प्लेन, या तो फिर हम कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन. ओके, ऑन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव नंबर लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो, है ना. ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ एक बार ग्राफ. अब ये देखिए, ये ग्राफ है. ओके, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, है ना. अब हमारे पॉइंट क्या कह रहा है? ऑन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव नंबर लाइज टू द राइट ऑफ जीरो. तो हमारे, हम 1 2 3 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 सो ऑन. यानी कि हमारा पॉजिटिव नंबर किस तरफ जा रहा है? राइट साइड. कहाँ जा रहा है? राइट साइड, है ना. पॉजिटिव नंबर लाइज टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, दैट इज ऑन ओ एक्स. ये रे का नाम क्या है? ओ एक्स रे. एंड द नेगेटिव नंबर लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो. अब ये नेगेटिव नंबर किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 लेफ्ट साइड में जाएंगे,
ओके तो यहाँ पे ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ओ एक्स डैश, कैसे कहते हैं, ओ एक्स डैश। यहाँ पे डैश मतलब ओ एक्स डैश, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव नंबर्स, और ओ एक्स रे ओ एक्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, ओके ऑन एक्स एक्सिस। नाउ अभी हमने एक्स एक्सिस के बारे में देखा, अब आपको वाई एक्सिस के बारे में बताती हूँ। ऑन द वाई एक्सिस पॉजिटिव नंबर लाइज ऑन द अपर साइड ऑफ जीरो, जीरो यहाँ है ऑरिजिन, उसके ऊपर की तरफ कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर, ओके एंड द नेगेटिव नंबर लाइज ऑन द लोअर साइड ऑफ जीरो, और नेगेटिव नंबर कैसा होता है, लोअर साइड, तो और नेगेटिव नंबर लोअर साइड होता है तो उसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ओ वाई रे, ओ वाई डैश, ओ वाई डैश, नेगेटिव नंबर्स की ऑन वाई एक्सिस ओ वाई डैश, पॉजिटिव नंबर्स ऑन वाई एक्सिस ओ वाई रे, ओके। ये है आपको ग्राफ, अभी तक हमने जो भी किया था वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको ये नेगेटिव नंबर वाले रिप्रेजेंटेशन अभी तक हमने कहीं नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट यानी कि पेयर पेयर ऑफ नंबर्स को हम डिनोट करेंगे, इसलिए हम ये परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन ऑफ द ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, मतलब ग्राफ के बीच में हम ड्रॉ करेंगे ना, तो हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पी इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ एक्स वाई इन द प्लेन एंड एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी। अब देखिए मैंने अभी बोला आपको कि हम यहाँ पे पेयर ऑफ पॉइंट्स डोनेट करेंगे, तो पेयर ऑफ पॉइंट्स को किस तरह से हम डिनोट करेंगे, x कामा वाई, यानी कि पॉइंट ऑफ x एक्सिस पॉइंट ऑफ y एक्सिस, और इसे हम किस तरह से डिनोट करें, p ऑफ एक्स वाई, तो p इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ एक्स वाई इन द प्लेन एंड एक्स वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x एक्सिस और एक्स वाई, x इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट, और अब किसका, इस x को हम क्या कहते हैं, x एक्सिस कोऑर्डिनेट कहते हैं, या तो x कोऑर्डिनेट कहते हैं या तो अब्सिस का कहते हैं ऑफ p, एंड y इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ p। आपको ये याद रखना है, हम x कोऑर्डिनेट को अब्सिस का भी कह सकते हैं या तो y कोऑर्डिनेट को सिर्फ कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक प्लेन के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे हम जब x एक्सिस y एक्सिस प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो वो प्लेन फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये प्लेन फोर प्लेन्स में डिवाइड होता है, तो किस तरह, अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो की राइट साइड में x एक्सिस में जीरो की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसे हम x से डिनोट करते हैं, जीरो की लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं उसे हम x डैश से डिनोट करते हैं, जीरो की अप साइड में y एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो की डाउन साइड में लोअर साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उसे हम y डैश और y से डिनोट करते हैं। अब ये क्या हुआ, ये प्लेन फोर कोऑर्डिनेट में डिवाइड हुआ है, देखो इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द परपेंडिकुलर एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इन फोर पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेट, ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट। अब देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, क्यों, तो देखिए एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसी है, सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और वाई एक्सिस की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब अगर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नंबर्स देखेंगे तो वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव ही आएंगे। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, पॉजिटिव, वाई वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, इस सेकेंड कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे आएगा आपको, माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों माइनस है, एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी माइनस में, इसलिए माइनस माइनस, और यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस की वैल्यू माइनस है, तो कैसा है ये, फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। देखिए आपको कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई में पहले आपको एक्स की वैल्यू देखनी है, उसके बाद ही आपको वाई की वैल्यू देखनी है, ओके। अब देखिए पॉइंट ऑन द एक्सिस, यानी कि अगर पॉइंट ऑन द एक्सिस, अगर कोई एक वैल्यू की वैल्यू जीरो है तो दूसरा पॉइंट उसकी कोऑर्डिनेट कैसी आएगी, देखिए यहाँ पे इफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज जीरो, ये कह रहा है कि अगर वाई की वैल्यू जीरो है, आपको मैंने अभी बताया कि हमारी कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसी होगी एक्स कामा वाई, उसमें से अगर आपकी वाई की वैल्यू जीरो है दैट पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, है ना,
हमने ये वाला ग्राफ किया था, अगर पॉइंट वाई जीरो है और एक्स में ए दिया है तो कहाँ आएगा, एक्स के ऊपर ही आएगा, तो कोऑर्डिनेट आर ऑफ द फॉर्म ए कामा जीरो, वाई की जगह पे क्या आएगा जीरो, और एक्सिस एक्स एक्सिस में क्या होगा, कोई भी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी, तो एक्स कामा जीरो आ सकता है या तो ए कामा जीरो। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्स इज जीरो, अब ये कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो है, दैट पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, और पॉइंट कहाँ होगी, वाई एक्सिस के ऊपर होगी, और उसकी कोऑर्डिनेट किस तरह से होगी, जीरो कामा बी, उसकी कोऑर्डिनेट किस तरह से होगी, जीरो कामा बी। अगर आपकी एक्स वैल्यू जीरो है तो पॉइंट कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर, अगर आपकी वाई वैल्यू जीरो है तो पॉइंट कहाँ पे आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ओके, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की जितनी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होनी चाहिए वो मैंने बता दी है। आपको इस ग्राफ पे ध्यान देना है कि हमारे कोऑर्डिनेट फोर टाइप्स में डिवाइड हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, फिर इसी के ऊपर आपका ग्राफ होगा जो हमें पॉइंट आउट करनी है। और यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज डायरेक्टली 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.1 में वो सिर्फ आपका लिए दिया हुआ है, आपकी क्लास एक्टिविटी है, उसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इन शॉर्ट ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपके कार्टेशियन प्लेन में यानी कि एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं और वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं। तो अब बताइए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल, यस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल वाई एक्सिस, है ना। सो हम लिखते हैं आंसर, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल एक्स एक्सिस, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ड्रॉन टू डिटरमाइन drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane, यानी कि एक्स वाई प्लेन में जो हम ऐसी आड़ी वाली लाइन ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और उसे एक्स एक्सिस में यूज किया डिनोट करते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन होती है स्टैंडिंग लाइन उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दिस टू लाइन्स। अभी हमने किया था, है ना, हमने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन वो कितनी एक्सिस में डिवाइड होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर पार्ट्स। अब आपको वही पूछ रहा है कि वो फोर पार्ट्स के नाम क्या है। ओके, तो चलिए बताइए फोर पार्ट्स के नाम क्या है, द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन इज फॉर्म्ड, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स, दीज टू लाइन्स का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आर क्या है उसके नाम्स बताइए, आर कोऑर्डिनेट 1 क्यू यू, स्पेलिंग क्या है, डी आर ए एन टी, कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट
quadrat, 2 quadrant, quadrant, 3 quadrant, 4. Okay, ये है parts of the plane formed by two lines. Okay ना? अब question number 3. Question number 3 क्या है? Write the name of the point where these टू लाइन्स इंटरसेक्ट. ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है ना? क्या है बताइए? यस, ऑरिजिन. द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज क्या है? ऑरिजिन, है ना? ये है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ग्राफ दिया है. इस तरह से आपको एक फिगर दिया है आपके क्वेश्चन में. ओके, अब इस फिगर को देख के आपको नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर देने, ये वाले क्वेश्चंस के आंसर देखने. तो देखिए, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, है ना? एक्स यानी कि ओ एक्स रे डिनोट्स पॉजिटिव नंबर्स, ओ एक्स डैश डिनोट्स नेगेटिव नंबर, ओ वाई डिनोट्स पॉजिटिव नंबर, ओ वाई डैश डिनोट्स नेगेटिव नंबर. ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है. सी द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग. आपको फिगर देख के आंसर देने हैं. आपको यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स के नाम दिए हैं? बी एच कैपिटल एम ई जी सी और डी. ओके, अब आपको ध्यान से इस फिगर को देखना है और आपके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. अब मैंने कोऑर्डिनेट्स मतलब बताया था कि पॉइंट दो नंबर्स एक्स वाई इज सेट टू बी कोऑर्डिनेट. एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू दोनों को मिलाएंगे तभी वो होगा कोऑर्डिनेट. अब बताना है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. अब बी का कोऑर्डिनेट मतलब बी का वैल्यू कौन सा है? तो चलिए देखिए, बी कौन से दो पॉइंट को टच करके हो रही है. तो देखिए यहाँ पे बी, हमें क्या कहा था, हमारा कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए? एक्स कामा वाई, यानी कि पहले पॉइंट आपकी एक्स एक्सिस की देखनी है और दूसरी पॉइंट आपको वाई एक्सिस का देखना है ना? तो देखिए यहाँ पे बी कहाँ है, ये आपका बी है. बी की एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? एक्स एक्सिस कहाँ टच हो रहा है? माइनस फाइव. ओके, और बी वाई एक्सिस में कहाँ टच हो रहा है? टू. तो आपका कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? एक्स कामा वाई. एक्स कामा वाई मतलब होता है माइनस फाइव कामा टू. ओके, ये है कोऑर्डिनेट ऑफ बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. अब आपको सी का कोऑर्डिनेट देखना है. चलिए देखिए फिगर में सी का कोऑर्डिनेट कहाँ है. पहले तो सी कहाँ है उसे ढूंढिए. सी, ये रहा आपका सी. अब यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट आपको कैसे लेना है? एक्स कामा वाई, यानी कि पहले आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू, फिर आपको वाई एक्सिस की वैल्यू लेनी है. तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? फाइव. वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? माइनस फाइव. तो क्या आएगा? फाइव कामा माइनस फाइव, फाइव कामा माइनस फाइव. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट माइनस थ्री माइनस फाइव. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या दिया था? उन्होंने पॉइंट दिया था और उसकी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने को बोला था. अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट उन्होंने दी है और इस पॉइंट की, इस कोऑर्डिनेट की पॉइंट क्या है, लेटर कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट कौन सी लेटर को डिनोट करता है वो आपको बताना है. तो बताइए कौन सा नंबर ये? माइनस थ्री माइनस फाइव. माइनस थ्री का क्या है? ये एक्स एक्सिस. माइनस फाइव क्या है? वाई एक्सिस. तो देखिए माइनस थ्री माइनस फाइव कौन सी लेटर डिनोट कर रहा है? एक्स एक्सिस में माइनस थ्री कहाँ है? यहाँ पे. और वाई एक्सिस में माइनस फाइव कहाँ है? यहाँ पे. तो माइनस थ्री माइनस फाइव कौन से लेटर को डिनोट कर रहा है? कैपिटल ई. तो आपको यहाँ क्या लिखना है? कैपिटल ई इज द आंसर. द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट टू कामा माइनस फोर. एक्स एक्सिस में टू, वाई एक्सिस में माइनस फोर. देखिए ये कौन सी पॉइंट डिनोट कर रहा है टू कामा माइनस फोर? तो ये टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में माइनस फोर. टू वाई एक्सिस माइनस फोर, तो कौन सा लेटर डिनोट कर रहा है? कैपिटल जी, कैपिटल जी. ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच. अब पॉइंट एच की कोऑर्डिनेट बताइए. पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट क्या है? तो पहले देखिए एच कहाँ पे है.
ये रहा आपका H, है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या है H के, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया है, द ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं है ये, ऑर्डिनेट है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। तो पहला ये बताइए मुझे, ये ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था कि वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और एक्स एक्सिस को अब किसका भी बुलाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट, ये क्या है ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि एच की वाई की वैल्यू क्या है, आपको सिर्फ वाई की वैल्यू ही बतानी है, एच की वाई की वैल्यू। तो एच कहाँ है, यहाँ, इसकी वैल्यू क्या है वाई की, माइनस थ्री। तो क्या आएगा आंसर, माइनस थ्री। अब देखिए द अब किस का ऑफ पॉइंट डी, अब किस का मतलब, ये अब किस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो पता ये पॉइंट डी की एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे पॉइंट डी दिख रहा है आपको, पॉइंट डी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, सिक्स। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव सिक्स। अब यहाँ पे द कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में डिफरेंस याद रखना, ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मिला के, ओके। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यल, कैपिटल यल, तो बताइए कैपिटल यल कहाँ है, यहाँ पे देखिए आपके ग्राफ में यल कहाँ है, यहाँ। ये सिर्फ किसे डिनोट कर रहा है, फाइव को। मैंने आपको बताया था जब हमारी कोऑर्डिनेट है ये सिर्फ एक ही पॉइंट, देखिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं, मतलब एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट जा ही नहीं रहा है, सिर्फ ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव फाइव को ही डिनोट कर रहा है। तो हमारा क्या पॉइंट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक्स एक्सिस जीरो है तो पॉइंट कहाँ लाई होगा, वाई एक्सिस के ऊपर, है ना। अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो है तो पॉइंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस के ऊपर, और उसकी कोऑर्डिनेट को किस तरह से डिनोट करेंगे, जीरो कामा फाइव, जीरो कामा फाइव से डिनोट करेंगे, ओके। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यम, कैपिटल यम की कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए, यम कहाँ है, कैपिटल यम यहाँ पे माइनस थ्री के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब ये माइनस थ्री किस एक्सिस के ऊपर से, थ्री एक्स एक्सिस के ऊपर है, यम कहाँ है, एक्स एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, है ना। अगर वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स एक्सिस कैसे लिखेंगे हम, माइनस थ्री कामा जीरो। ये है पॉइंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर टू के आंसर। आपको फिर से बताती हूँ, इस दो चीज पे ध्यान रखना, और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर दिया है तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, अगर वाई की वैल्यू पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर दिया है तो एक्स की वैल्यू आपको जीरो लेनी है। यह है क्वेश्चन नंबर टू। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में तो आ गया कि आपको प्लेन किस तरह से ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम उसी प्लेन्स को किस तरह से पॉइंट आउट करना है वो मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगी, ओके। टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।